हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। इसमें मैं बताऊंगी दुपट्टे पर डिज़ाइन कैसे बनता है। तो ये मैंने बनाया है और इसको बनाते कैसे है मैं आपको बताती हूँ। ये कलर मैंने डाला है, इसमें मैरून कलर मैंने लिया है। ये इसको बस बीच में ही करना है, बीच में इसको इस तरह से। मैंने अभी तक आपको जितना बताया है सब सिंपल ही बताया है, इसलिए आराम से ये भी बन जाएगा। तो साफ करके और वाइट लेना है, वाइट लेकर इसको ये जो डिज़ाइन है इसको इस तरह से आउटलाइन पहले बना लें आप, उसके बाद बीच में फिल कर देना है इसको अच्छे से मिक्स करके। देखिए बहुत ही आसान है ये, आप आराम से बना सकती हैं। मैंने आपको अब तक जितना भी बताया है उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बना रही होंगी, उसको प्रैक्टिस करेंगी तो आ जाएगा। अब देखिए ये जो मैंने दो कलर डाला है इसके बीच में आपको मिक्स करना है, तो लाइट डीप का शेड आपका आ जाएगा। देखिए आ गया, इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से कर दिया है इस तरह। इसको आपको कितना लाइट करना है कितना डीप करना है वो आप अपने से कर सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है कि ज़्यादा लाइट करना है या थोड़ा डार्क ही रखना है। देखिए इस तरह से ये बन गया। ये जो मैंने बनाया है इसी तरह ये भी बनेगा, सेम है। और ये भी बता देती हूँ आपको कैसे बनता है। देखिए मैं इसमें भी उसी तरह करना है, बस बीच में आप इसको उसी तरह बनाइए और देखिए एक साथ मैं आपको दो बताती हूँ। उसके बाद आउटलाइन वाइट से जैसे मैं इसमें बता रही थी, बस इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग है इसीलिए मैंने दो तरह से आप लोगों को बताया है और अलग अलग कलर से भी बताया। अब ब्रश को साफ कर लेना है। देखिए वाइट कलर लेकर इस तरह से पहले आउटलाइन बनाना है, आउटलाइन बनाकर बीच में मिक्स कर देना है उसी तरह से। Thank you.
बन के कम्प्लीट हो गया है। और ये पत्ती मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कैसे बनेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।